हाय गाइस गुड निंग कैसे हो आप लोग सब बोलो कैसे हो अच्छे हो बुरे हो क्या सर पता नहीं क्या कैसी चल रही है जिंदगी कुछ आइडिया नहीं है ठीक है चलिए सो लेट्स स्टार्ट विथ रिवाइजिंग द फर्स्ट चैप्टर एंड द सेकेंड चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड जितना भी अपन ने पढ़ा है वो एंड फिर उसके बाद आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक नया बहुत ही खूबसूरत चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आई यू गाइज रेडी ओके परफेक्ट देन चो, चलो बच्चों मुझे बोलो व्हाट इज uh, अगर हम लोग कहे तो ह्यूमन वॉन्ट्स अब तो बॉडी के अंदर से निकल रहा है सर बस हो गया चलो बोलते रहो ह्यूमन वांट्स वांट्स टू दोज वॉन्ट्स नॉट ओनली लिमिटेड बट आल्सो हैज अल्टरनेटिव यूजेस इससे अपन क्या कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या ये मैं फेस करता हूँ आप, आप फेस करते हो पूरी सोसाइटी फेस नेशन फेस यस सब लोग फेस करते हैं इसको राइट इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम विच वर्ड बोलो ना लैंग्वेज है ग्रीक वर्ड कौन सा है इकोनॉमिया उसका मतलब क्या है हाउस होल्ड मैनेजमेंट करेक्ट एकदम ओके उसके बाद इकोनॉमिक्स के मेन डेफिनेशन कितने चार फर्स्ट कौन सा फटाफट -फड़ बोलते जाना वेल्थ वेलफेयर वेल्थेयर डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडम स्मिथ गिव द डेफिनेशन ऑफ फटाफट आलफ्रेड मार्शल लियोनल रॉबिन्स पॉल सैमल्सन डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दर डैशम स्मिथ रोट द बुक नोन एज द डैश ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स फादर ही फोकस्ड अपॉन Bolo, he focused upon wealth, not only upon dash but also on dash creation and maximization of wealth. Okay, it solves problem to dash extent, greater extent, right? Uh, it is too materialistic. Ignores the concept of welfare. Who shifted the emphasis from wealth to welfare? Alfred Marshall. Alfred Marshall's concept of welfare is very vague. Was criticized by Lionel <laughs> Robbins, right? Lionel Robbins gave the definition of scarcity, right? Ends refer to Fada fat ends refer to wants, means refer to resources. Resources have dash uses, alternative uses. Leonard Robbins definition ignores dash concept, macroeconomic concept, right? It is dash and dash, impersonal and colorless. Kasa impersonal and colorless. We not only face the problem of scarcity but also the problem of abundance, right? Whose definition is static? कमान खमान लियोनल रॉबिन्स डेफिनेशन डॉट फोकस अपॉन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लियोनल रॉबिन्स डेफिनेशन फोकसमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल सैमसन दम्प्लीट मॉडर्न डेफिनेशन इज गिवन बाई पॉल्सन एकदम आसन है इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस कौन से कौन से माइक्रो एंड माइक्रो माइक्रो मतलब माइक्रो मतलब लार्ज इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करना टोटालिटी में स्टडी करना एकदम आसन है एग्रीगेटिव इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्लाइसिंग थियरी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई दिक्कत है यहाँ पे ना उसके बाद हम लोग बात करते हैं इज इकोनॉमिक्स साइंस और एन आर्ट बोलो बोथ साइंस टीच अस टू अरे यार डू रोज रोज डू बोल रहे हो बोलो साइंस टीच अस टू नो आर्ट टीच अस टू डू सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एस ध्यान दो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एस साइंस प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एस आर्ट ओके वॉट आर द फीचर्स ऑफ साइंस नंबर वन

पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या है पॉजिटिव साइंस क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव साइंस वॉट इज पॉजिटिव साइंस वॉट ऑट टू बी नॉर्मेटिव साइंस वैल्यू जजमेंट्स आर पास इन नॉर्मेटिव साइंस वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट पास इन पॉजिटिव साइंस इट टॉक्स ओनली अबाउट द फैक्ट्स पॉजिटिव साइंस एकदम आसान है ओके पॉजिटिव साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज

कैसे किसके लिए एंड प्रोविजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कोई दिक्कत नहीं उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुझे बताना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कितने नंबर ऑफ गुड्स अपन लेते हैं पी पीपीसी के अंदर टू गुड्स रिसोर्स आर फटाफट कितने नंबर ऑफ गुड्स है टू रिसोर्स इज आर फिक्स दे आर द अनएम्प्लॉयड नॉर अंडर एम्प्लॉयड दे आर नी द अनएम्प्लॉयड नॉर अंडर एम्प्लॉयड एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज बोलो टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज द पॉइंट इन साइड पीपीसी सच सच बोलो ध्यान से बोलो पॉइंट इन साइड पीपीसी अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट आउटसाइड पीपीसी इंस्टेंट जवाब दो पॉइंट आउटसाइड पीपीसी cannot be achieved and point inside ppc अंडर यूटिलाइजेशन ऑन द पीपीसी ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज राइट वेन देर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड दीपीसीडिकेटिंग दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग खत्म हो गया राइट उसके बाद थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कौन सी कौन सी कैपिटलिस सोशलिस्ट एंड मैक्स बोलो बच्चो कैपिटलिस सोशलिस्ट एंड मेक्स्ट ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है अरे प्राइवेट क्या बोल रहे तू ये क्या तू मैं कान बहुत एकदम शार्प है ना मैं हर बच्चा क्या बोलता मैं एकदम क्लियरली सुनता हूं आई ऑलवेज लिसन टू द आंसर्स बोलो सो ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैपिटलिस्ट ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट कलेक्टिव ओनरशिप सोशलिस्ट प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिस्ट वेलफेयर मोटिव एबसेंस ऑफ चॉइस टू द कंज्यूमर्स सोशलिस्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस गिवन टू द कंज्यूमर्स फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलेस इकोनॉमिक ऑल्सो कॉल्ड एज

एकदम फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया कॉन्फिडेंस एकदम तूफान होना चाहिए राइट आगे सेकेंड थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करेंगे डिमांड इज क्रिएटेड बाय फटाफट सब बॉडी के अंदर है डिजायर एबिलिटी टू पे विलिंगनेस टू पे शोर इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम बोलो और एक बार क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम परफेक्ट उसके बाद मुझे बता रहा हूँ दैट आर द फैक्टर्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैबिट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस साइज ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो एजुकेशन एडवर्टीजमेंट मैरिटल स्टेटस क्लास ये सारी चीजें अफेक्ट करती है आपके डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है उसको तो एज द प्राइस राइज इज द डिमांड फॉल्स एंड एज द प्राइज फॉल्स इन इंडिकेटिंग विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन वर्स रिलेशनशिप द डिमांड कव इज डैशिंग कव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके उसके बाद अपन आगे बढ़ते नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वॉट इलास्टिसिटी याद है कि आपको ये yes. तो इलास्टिसिटी के अलग अलग कितने मैथड्स अपने पड़े थे पांच पांच मेथड फर्स्ट वॉश प्राइस इलास्टिसिटी सेकेंड वॉश इनकम इलास्ट्रिसिटी थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी मिड पॉइंट इलास्टिसिटी एंड टोटल आउटले मेथड इजी एकदम प्राइस इलास्टिसिटी ये सारे टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज कमॉन बच्चो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला फुल पावर के साथ कमॉन न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड

ओके okay. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं टॉक अबाउट व्हाट क्रॉस क्रॉसिटी बोलो फटाफट न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ़ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड ऑफ़ ओरिजिनल कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ़ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड

फटाफट जवाब आना चाहिए इलास्टिसिटी जीरो इट मींस व्हाट परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक ना सच सच बोलो इन इलास्टिक वेन इट इज ग्रेटर देन वन यूनिट इलास्टिक वेन इट इज इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक एकदम आसान है अब मुझे बताना वेन द डिमांड कर्व इज पैरल टू वाई एक्सिस इट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परफेक्टली perfectly inelastic when it is parallel to x axis perfectly elastic when it is steeper perfect kaun se bolta hai tu abhi phatke khaayega tu bolo when it is steeper relatively inelastic when it is flatter relatively elastic ekdam aasan hai correct then we go ahead now मुझे आप बताओ अभी अपन percentage percentage की बातें करेंगे, ठीक है? percentage change in demand is equal to percentage change in price

कोई भी दिक्कत है क्या नहीं अब अपन बात करते हैं अबाउट वॉट इज टोटल आउटले मेथड गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल ओके इन डैश मेथड को ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट नोन टोटल आउटले मेथड टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सपेंडिचर मेथड कोई दिक्कत है आपको यहां पे नहीं अब मुझे बताना एज द प्राइज फॉल्स एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम एज द प्राइस राइज एक्सपेंडिचर स्टिल रिमेन्स द सेम इट इज यूनिट इलास्टिक एज द प्राइज फॉल्स एक्सपेंडिचर राइजेस एज द प्राइस राइज एक्सपेंडिचर फॉल्स

कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं किसकी रैशनल है और लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड सो so, क्या है रैशनल है क्या है लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड नंबर वन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है नंबर टू कौन सा इफेक्ट सब्सिड्यूशन इफेक्ट तीसरा इनकम इफेक्ट नंबर फोर अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स एंड लास्ट में डिफरेंट यूजेस एकदम आसान है राइट right. अब अपन बात करते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड याद है आपको पूरे पूरे एक्सेप्शन की लिस्ट ओकेट्स डू इट फर्स्ट कौन सा याद आता है कॉन्स्पीशियस गुड्स कौन से लोगों के शौक है ये अमीर लोगों के शौक है उससे क्या याद आएगा कॉन्सपीशियस नेसेसिटीज उसके बाद ओनली नेसेसिटीज फिर अपन बात करेंगे फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन फिफ्थ पॉइंट क्या है स्पेक्युलेटिव गुड्स सिक्स पॉइंट क्या है मार्केट कंडीशन एंड लास्ट पॉइंट अपन बात करेंगे गिफेन गुड्स खत्म हो गया यहाँ तक यहीं तक अपन ने पढ़ा था करेक्ट है अपन ने और भी तो पढ़ा था एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट बराबर इंक्रीज एंड डिक्रीज ये चीजें पढ़ी थी प्राइस के वजह से डिमांड बदलती है तो उसे क्या कहेंगे अपन एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन और प्राइस के अलावा अगर डिमांड बदलेगी तो इंक्रीज एंड डिक्रीज वेन देर इज अ राइट वर्ड शिफ्ट वी से दैट देर इज इंक्रीज इन डिमांड वेन देर इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट वी से दैट देर इज डिक्रीज इन डिमांड राइट वर्ड मूवमेंट कॉन्फिडेंस का जवाब देना फटके खाओगे नहीं तो राइट वर्ड शिफ्ट ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूं एकदम अच्छे से राइट राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट राइटवर्ड मूवमेंट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कमान लेफ्ट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड मूवमेंट बोलो ना कॉन्ट्रैक्शन एकदम आसान है कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे नहीं सो so, खत्म हो गया कॉन्फिडेंस है पूरा पूरा राइट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आखिरी चीज जो हमको पढ़नी है वो किसके बारे में है इट इज अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी मतलब हमको गुड्स में सेंसिटिविटी आखिरकार क्यों दिखती है इसके ऊपर आज चर्चा होगी टॉपिक थोड़ा टेढ़ा है बट बहुत अच्छा है एकदम मस्त है कॉन्सेंट्रेट करना एकदम अच्छे से सुनना समझना जो भी डिफिकल्टी होगी आपको पूछना होगा अगर नहीं समझाए तो ठीक है ना क्योंकि आप कुछ डाउट पूछ नहीं रहे हो दो बातें होंगी एक तो सर आप बहुत भारी पढ़ा रहे हो या तो दूसरा सर हमको कुछ भी नहीं समझ रहे है। तो डाउट कहाँ से पूछे है? है ना तो प्लीज़ आप जो भी नहीं समझ में आता है आप प्लीज़ पूछिएगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किसके बारे में वी टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी चर्चा करेंगे अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अब वॉट इज दिस डिटर्मिनेंट्स जैसे आपको याद है अपन ने पढ़ा था कि वॉट इज द रैशनल और द लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड अरे बोलो येस और नो यस सेम वे में हमको प्रोडक्ट्स में इलास्टिसिटी क्यों नजर आती है वो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं समझने की कोशिश करो जैसे अपन ने अभी तक क्या चर्चा करी थी वेन यू स्पोक अबाउट सॉल्ट हम लोग को दिखा था कि सर सॉल्ट चाहे सस्ता हो या महंगा हो हम लोग तो उसकी डिमांड करेंगे करेंगे हा या ना बच्चो येस बट ऑन दी अदर हैंड जब सर हम लोग टी शर्ट्स की बात करें तो अगर महंगे हो गए तो शायद अपन नहीं खरीदेंगे बराबर सो so, हर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी अलग अलग है डू यू एग्री विद दिस यस सो हर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी अलग अलग है ऐसा आखिर क्यों इलास्टिसिटी सबकी सेम क्यों नहीं है समझ में आ रहा है आपको वाई द इलास्टिसिटी इज नॉट सेम इन ऑल द प्रोडक्ट्स वाई इट इज डिफरिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट दैट इज द थिंग वी नीड टू फाइंड आउट समझे नहीं समझे सो दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइज इलास्टिसिटी कि हर एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इज द क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया देखो अगर वो क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया ना तो आगे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी जाएगा बहुत सी बार क्या होता है हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं उसको समझ लेते बट वी डोंट नो वॉट द क्वेश्चन इज किसके लिए हम लोग पढ़ रहे ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज वॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट सब्स्टिट्यूट्स होने की वजह से मेरी बात को समझना सब्सटिट्यूट्स होने के वजह से प्रोडक्ट्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है अगर किसी चीज़ का सब्सिट्यूट नहीं है तो उसमें इलास्टिसिटी भी नहीं है समझने की कोशिश करना एज वी ऑल नो वॉट इज इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी मतलब अपन ने कहा था इट इज़ टॉकिंग अबाउट वॉट सेंसिटिविटी प्रोडक्ट्स में सेंसिटिविटी नजर आती है क्यों क्योंकि उसके पास सब्सिट्यूट है चल ये नहीं तो ये है मेरे पास समझा नहीं समझा तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ई स्टॉक अबाउट टी एंड कॉफी इनका काम क्या है टू प्रोवाइड वॉट रिफ्रेशमेंट समझे नहीं समझे Their work is to provide what? Refreshment. And suppose, अगर टी की प्राइस कम हो जाती है तो जो कॉफी पीने वाले लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे बोलो ना टी पे तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या देखते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम इन टू पिक्चर जो अपने रैशनल पढ़ा था अरे बोलो ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था ना घी बटर टी कॉफी ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने हाँ तो बिकॉज ऑफ दैट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट द कॉफी की डिमांड विल वॉट फॉल वी सी दैट देर इज सेंसिटिविटी प्रेजेंट इन द डिमांड ऑफ वॉट कॉफी सो वाई दिस कम इट कम्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट इमेजिन करना अगर टी का कोई सब्सटीट्यूट होता ही नहीं रिफ्रेशमेंट के लिए कोई और ड्रिंक होता ही नहीं तो फिर आप मुझे बताओ कि टी की प्राइस चाहे बढ़ती या गिरती लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही करते टी को बोलो ये और नो तो सब्सटीट्यूट नहीं होते तो शायद हमको उसमें इलास्टिसिटी नहीं दिखती बट सब्स्टिट्यूट है उसके वजह से अपन क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर इलास्टिसिटी है समझ में आया नहीं आपको बोलो ये सोर नो सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट डिटरमाइंस वॉट डी इलास्टिसिटी सो इफ यू कंक्लूड अगर किसी कमोडिटी को सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है इफ देर आर नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल एट ऑल तो इलास्टिसिटी कैसी होगी परफेक्टली इन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक बराबर के नहीं? दोनों में से कुछ हो सकती है बराबर अगर सब्सिट्यूट नहीं होते तो क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता वही खरीदना पड़ता कमॉन गाइज आई यू अंडरस्टैंडिंग यस अदर हैंड अगर दो गुड्स उनके अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते बराबर फॉर एग्जाम्पल ये एक रिमोट है और ये एक रिमोट है मान लो ये दोनों रिमोट एसी के हैं, मान के चलो इट इज वॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट बराबर तो इसकी जरा सी भी क्या प्राइस गिर गई इसकी डिमांड जीरो नहीं हो जाएगी नहीं समझा समझने की कोशिश करो मैं समझाता हूं आपको अपन स्क्रीन पे देखते हैं आपको अच्छे से समझाता हूं दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स एकदम मस्त समझना डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इसमें जो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है

दोनों का काम क्या है टू प्रोवाइड वॉट रिफ्रेशमेंट्स दोनों का काम यही है टू प्रोवाइड वॉट रिफ्रेशमेंट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी दोनों दे आर प्राइज एट वॉट रुपीज फाइव सो डिमांड दोनों की सेम है अब सपोज द डिमांड फॉर टी हैज नाउ इंक्रीज फ्रॉम फाइव टू टेन पीपल हु आर कंज्यूमिंग टी विल नाउ शिफ्ट वॉट कॉफी बराबर के दैट मीन्स द डिमांड फॉर टी हैज वॉट gone down there is contraction yes. ke and the demand for coffee has what increased so tea may have contraction or coffee may increase because price of related commodity keep coffee ke demand hai. hello yes or no yes so tell me what do you see about the elasticity for tea सेंसिटिविटी मौजूद है या नहीं है है। क्यों मौजूद है क्योंकि सर इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इसके लिए लोग वहां पे शिफ्ट हो गए अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो कहां जाते बच्चों लोग चुपचाप टी को ही पीते ना बोलो यस और नो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आया के ध्यान में सो so, अगर कोई दो कमोडिटीज किसी के परफेक्ट सबस्टिट्यूट है तो इन दोनों के बीच की जो इलास्टिसिटी होगी दैट इज द्रॉस इलास्टिसिटी द क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी इनफाइनाइट डू यू अग्री विथ दिस बोलो यस सोनो बट अगर दो गुड्स अनरिलेटेड है उनका कोई भी तालमेल नहीं है ये रिमोट एंड दिस कार्किस कोई संबंध है क्या आर दे सब्स्टिट्यूट सर दूर दूर तक नहीं है तो इसकी प्राइस चेंज होगी रिमोट की तो क्या इसकी डिमांड अफेक्ट होगी क्या नहीं सो द क्रॉस इलास्ट्रिसिटी बिटवीन टू अनरिलेटेड कमोडिटीज इज वॉट समझा नहीं समझा इजी है क्या एकदम सो so जब दो गुड्स परफेक्ट एकदम परफेक्ट मतलब अभी मैं आपको कैसे बताऊं हाँ चलो एक काम करते हैं. ये दो कार्ड्स हैं बराबर के दीज आर माई टू डेबिट कार्ड्स परफेक्ट सब्सिट्यूट फॉर वन अनदर मान लो मुझे कार्ड खरीदने थे बैंक से एक बैंक बोलता है आई गिव इट फॉर दूसरा बैंक like, okay. आपको नहीं लगता लोग सीधा इस पे आएंगे yes. बोलो यस और नो यस वाई बिकॉज वाई टू पे फाइव एक्स्ट्रा फॉर दिसम वाई शुड आई पे फाइव जबकि ये दूसरा प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम है डिट्टो एकदम सो पीपल वॉट डिल डू इसकी डिमांड पूरी गिरा देंगे जीरो कर डालेंगे इसकी अगर इसकी जरासी भी प्राइस अगर बढ़ गई तो समझे नहीं समझे राइट एंड इसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी दैट इज वॉट अगर दो गुड जब परफेक्ट सब्सिट्यूट होंगे तब क्या हो जाएगा तब क्या हो जाएगा उनमें की क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट और एकदम अनरिलेटेड होंगे तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होगी जीरो समझ में आया नहीं आपको यस yes. फटाफट आपको ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है कमा स्टार्ट रीडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट यस गई ओवर समझ में आया आपको तो एग्जाम में आपको एमसीयू पूछेंगे इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ वन एन अदर द क्रॉस इलास्टिस बिटवीन द दूस इन फाइनाइट अगर दो गुड्स एकदम टोटली अनरिलेटेड है उनमें की क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी विल बी जीरो समझ में आया नहीं आपको यस yes. एंड आपको मालूम भी पड़ गया सब्सिट्यूट होने के वजह से इलास्ट्रिसिटी मौजूद है फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि क्यों हमें इलास्टिसिटी नजर आती है यस नाउ सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर अ बजट ठीक है ना सेकेंड पॉइंट इज वॉट पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग बजट बनाते हैं अपना एक कंज्यूमर का बजट बनाते हैं। जब मान लो अपने पास कुछ पैसे आते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल वी अर्न मंथली थर्टी थाउजेंड रुपीज ऑन एन एवरेज ये तीस हजार रुपए अपन क्या करते हैं कहीं ना कहीं उसका खर्चा होता है

बराबर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वॉट वी डू इज वी ट्राई टू सेफ समझ में आया नहीं आपको दिस इज वॉट इज द कंज्यूमर्स बजट ठीक है ना ऐसा ऑन एन एवरेज मोटा मोटी हम लोग देखते हैं कि इतना है अब इस ग्रोसरी के अंदर इमेजिन करना इतना सा पार्ट अब क्या परचेस कर रहे हो मैचस्टिक्स भगवान को दिए लगाने के लिए हम लोग मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना वो मैट्रिक्स अब इसकी प्राइस कितनी होती है मैक्सिमम वन रुपी और टू रुपी आई गेस नॉट मोर देन दैट ये उसकी प्राइस है एक रुपया या दो रुपये पहले तो पचास पैसे में मिलती थी अब एक रुपया होगा होगा अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू से दैट द प्राइस ऑफ दीज मैट्रिक्स इज रुपीज वाओ सो हाउ मच इज द पोजिशन ऑफ दिस कमोडिटी इन योर बजट कम है या ज्यादा है एकदम कम है बराबर के नहीं एंड सोचो अब कल चल के इसकी प्राइस हो जाती है रुपीज टू आप क्या करोगे सर नहीं हम नहीं खरीदेंगे मैच सर प्राइस डबल हो गई है यार नो सर वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट बोलो ऐसा होगा क्या बोलो ना नहीं बिकॉज उसका मतलब एक से दो रुपये हो गया आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका वहां पे खर्चा ज्यादा होता है क्या नहीं हो रहा है तो उस कमोडिटी का बराबर जो पोजीशन है ना आपके बजट में वो क्या है कम है सो यू आर लाइक इसमें प्राइस राइज भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ऑन दी अदर हैंड जब अपन सब्जियों की बात करते हैं नॉर्मल ग्रोसरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो वेन वी टॉक अबाउट लेट से द प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड दे गो अप वी आर लाइक कि नहीं नहीं अभी ऑनियन नहीं खाएंगे वील फाइंड सम अल्टरनेटिव टू इट बराबर के नहीं टोमेटोज एक्सपेंसिव हो गए तो नो वील नॉट ईट टोमेटोज राइट नाउ अभी समर्स है समर्स में यूजली द लेमंस आर वेरी एक्सपेंसिव बराबर के नहीं सो वी ट्राई टू कट डाउन द कंजम्पन नॉट लेम्स क्योंकि ग्रोसरी का अपना बजट बहुत ज्यादा है समझ में नहीं आपको तो कोई भी कमोडिटी अपने बजट में पोजीशन कम है उसको क्या कहेंगे इट इज इन इलास्टिक डिमांड बदलेगी नहीं बट अगर कोई कमोडिटी का पोजीशन अपने बजट में बहुत ज्यादा है अपन बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर और अगर उसकी प्राइस बदल गई ना कसम से अपन उसकी डिमांड क्या कर लेंगे कम कर लेंगे समझा नहीं समझा आपको दैट इज वॉट इज पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इलास्टिसिटी एकदम होगा होगा? आपके में, तो क्या होगा? It will be inelastic. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी तो भी मूवी जाते हो इन अ मंथ यू गो एटलीस्ट एक बार आप कम से कम मतलब जाते तो सर एक ही बार जाते हैं मूवी मैक्सिमम और फिर अगर वो प्राइस टिकट की 180 से 210 रुपए हो गए आप लोग क्या करेंगे नहीं नहीं सर आप आज से मूवी देखना बंद यार महीने में कभी तो भी जाते हैं so सो 180 एट्टी टू हंड्रेड एंड मैटर बट इमेजिन आप डेली जा रहे हो और मॉर्निंग शो जो आप डेली मतलब डेली इन द सेंस एवरी वीक एवरी फ्राइडे यू गो फॉर मूवीज एंड द मॉर्निंग शो का टिकट फ्रॉम नाइन टी देव शिफ्टेड टू वन तो अपना सिलेक्टेड मूवी देखना हो जाएगा फिर समझा नहीं समझा वैसे सिंपल एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए सेकेंड पॉइंट ओवर बोलो यस और नो यस परफेक्ट समझ में आया आपको यस सो व्हाट आर द रैशनल और द लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड सॉरी इलास्टिसिटी व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट होने के वजह से नंबर टू क्या बोला पोजिशन ऑफ द कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजेट थर्ड नेचर ऑफ द नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाई इंसान के जो नीड्स होते हैं ना दे आर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज ओके एक होता है नेसेसिटी दूसरा होता है कंफर्ट तीसरा होता है लग्जरी इंसान की जो नीड्स होती है ना उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बच्चों कौन सी तीन चीजें नेसेसिटी कंफर्ट लग्जरी नेसेसिटी के ऊपर कंफर्ट फॉर अ हैप्पी लिविंग नेसेसिटीज आर एसेंशियल फॉर लिविंग कंफर्ट इज फॉर हैप्पी लिविंग लग्जरी एज द नेम सजेस्ट इज फॉर वॉट हैप्पी लिविंग लग्जरी क्या हैप्पी लिविंग नेसेसिटी एसेंशियल और दूसरा क्या होता है अपना हम्फर्ट तो वो किसके लिए है वो कम्फर्ट आरामदेह जिंदगी बराबर के नहीं हैप्पी लिविंग इज वॉट एकदम अपना कौन सा लग्जरी So, अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ द नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइज इसको क्या बोलेंगे अपन अंडर पानी मेरे को मालूम <laughs> इसको कौन से इसमें कैटेगराइज करेंगे नेसेसिटी बराबर की नहीं एंड इफ दिस इज द नेसेसिटी प्राइस राइजेस स्टिल यूल डिमांड प्राइस फॉल्स स्टिल यूल डिमांड बिकम्स वॉट बिकम्स वॉट इन इलास्टिक अरे इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं ना बिकम्स व्हाट इन इलास्टिक बराबर के नहीं दिस इज व्हाट लग्जरी एप्पल आईफोन देखिए ऐसा अपन दो तीन हजार रुपए का पांच हजार रुपए का छह हजार का फोन भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं दैट कम्स अंडर व्हाट इट इज नॉट एसेंशियल बट इट इज इट बिकम्स व्हाट अ कंफर्ट कि अपन कहीं पे भी किसी को किसी भी वक्त अपन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दैट इज द कंफर्ट ट टू हैव अ ब्रांडेड फोन स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑन द फोन इट बिकम्स वॉट नेसेसिटी नेसेसिटी ना लग्जरी, Necessity, लग्जरी। अब इसकी अगर प्राइस बढ़ गई तो शायद अपन इसकी डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है ना आगे चल के प्राइस कम हो जाएगी भैया अभी अब आभ वैसे भी, एसे भी एसेंशियल नहीं है समझा नहीं समझा तो जो चीज आपको एकदम एसेंशियल है प्राइस बढ़ो या मत बढ़ो आप डिमांड करेंगे बट अगर जो कमोडिटी की प्राइस क्या होगी बच्चों वो लग्जरी होगा और उसकी प्राइस अगर कम या ज्यादा होती है आपकी डिमांड वैसे कम या ज्यादा होगी पढ़ लीजिए नेचर ऑफ द नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज समझ में आया आपको ट वॉज द थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट नंबर ऑफ यूजेज टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू यूज बराबर के नहीं सिंपल सी बात है अगर एकदम इसको सिंपल करते डिफरेंट यूजेस हो तो क्या होगा प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी यह कल ही एक्सप्लेन किया है ना रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अगर कोई कमोडिटी के मल्टीपल यूज होंगे और उसकी प्राइस अगर गिर गई तो उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी ज्यादा होगी बोलो ना यस और नो वी स्पोक यस्टरडे अबाउट मिल्क दूध की बात कर रहे थे इट कैन बी यूज फॉर प्लेन ड्रिंकिंग फॉर टी कॉफी बटर मिल्क कर्ड स्वीट्स घी कितनी सारी चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं मिल्क को यूज कर सकते हैं और सोचिए अगर आपका दूध सस्ता हो गया तो आप क्या करेंगे ज्यादा डिमांड करेंगे बराबर के नहीं क्योंकि हम लोग को किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे इसमें नहीं किसमें और काम में आ जाएगा बोलो यस और नो यस अपन बोलते ना अरे लेके रखो कहीं ना कहीं तो काम में आ जाएगा करेक्ट है ना तो अगर प्राइस गिरने से उसकी डिमांड यदि हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसमें सेंसिटिविटी नजर आती है या नहीं आती है आती है मतलब इलास्टिसिटी है या नहीं है है बट अगर कोई कमोडिटी का सिंगल यूज है वो और किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी इट विल बी एन इलास्टिक पूछो क्यों क्योंकि प्राइस कम हो या बड़ो भाई उसका काम एक ही है ना बराबर फॉर एग्जाम्पल माई चार्जर मेरा चार्जर है हाँ इसका सिंगल यूज है टू ओनली चार्ज माई लैपटॉप पिन कुछ अलग ही तरीके का है है ना अलग ही तरीके देख ले देख देख <laughs> इसका पिन कुछ अलग ही तरीके का है एकदम तो इट ऑज नॉट अब सिंगल यूज अब इमेजिन करना अ सिचुएशन इसकी प्राइस गिर गई तीन चार लेकर रखेंगे मैं नहीं आई हैव ओनली वन क्योंकि इट्स ओनली जॉब इज टू वॉट चार्ज माय लैपटॉप ऑन द अदर हैंड अगर ये चार्जर बराबर इसको ऐसे किया तो आईफोन का चार्जर बन जाता इसको ऐसे ऐसे डबल टैप किया तो वो किसका मेरा दूसरा दूसरे फोन का चार्जर बन जाता मतलब अगर मान लो ये यूनिवर्सल चार्जर बन जाता तो इसकी प्राइस कम होगी तीन चार लेके रख देते ना कभी और काम में आ जाएगा किसी और चीज़ को चार्ज करने के लिए काम में आ जाएगा समझा नहीं समझा बोलो ये सर नो यस तो अगर जो कमोडिटी का सिंगल यूज रिलेटिवली इलास्टिक मल्टीपल यूजेस बोलो रिलेटिवली इलास्टिक पढ़िए यस स ओवर यस एनी डिफिकल्टी सो अभी तक अपन ने चार पॉइंट्स पढ़े बता सकते हैं क्या आप लोग कौन से कौन से हैं बिना बुक में देखे यहां कमॉन खत्म होने हैं चैप्टर अपना इट्स वेरी सिंपल नाउ फर्स्ट कौन सा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट ओके फटाफट मेरे सवालों का जवाब देना सब्सिट्यूट अवेलेबल तो इलेक्ट्रिस है या नहीं है है सब्सिट्यूट hey, अवेलेबल नहीं है तो इलास्ट्रिसी नहीं है दूसरा क्या बोलते हैं पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट छोटा सा पोजिशन है तो इलास्टिसिटी नहीं है ज्यादा पोजिशन है तो इलास्ट्रिसिटी है तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने बिना बुक में देखे नेचर ऑफ द नीड द कमोडिटी से इफ इट इज लग्जरी और अ कंफर्ट इट विल बी इलास्टिक करेक्ट है फिर नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा वो क्या था डिफरेंट यूजेस बराबर के नहीं सो डिफरेंट यूजेस की अगर बात करें तो अगर डिफरेंट यूज है तो इट विल बी इलास्टिक सिंगल यूज है तो इलास्टिक खत्म आगे बढ़े यहां से यस टाइम पीरियड को होल्ड पे रखते पहले हैबिट्स और टाइट डिमांड पढ़ लेते सिंपल सिंपल कर लेते कंज्यूमर हैबिट सिक्स पॉइंट पे आ रहा हूं आप सोचिए कोई व्यक्ति एकदम हैबिचुअल है किसी चीज के लिए बराबर के नहीं तो मुझे बताओ प्राइस बढ़ो या कम हो उसकी डिमांड कैसी होगी इलास्टिक मतलब सेम होगी डिमांड विल अनचेंज डिमांड विल बी वॉट अनचेंज देर विल बी नो चेंज इन डिमांड सो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ इलास्टिसिटी है या नहीं है नहीं है अरे कैसे बोलता रहे वापस से बोलता हूं समझो अगर कोई कमोड अगर कोई व्यक्ति एनी कंज्यूमर इफ वो व्यक्ति अगर वो उस चीज के लिए हैबिचुअल है एडिक्टेड है उसे वो चीज चाहिए मतलब चाहिए तो फिर उसके दाम गिरे या बढ़े क्या बच्चों वो चीज को कंज्यूम करेगा ही करेगा क्या तो उसकी डिमांड कैसी हो गई इन इलास्टिक करेक्ट है ना बट अगर सोचो वो उसके लिए एडिक्टेड नहीं है तो उसकी प्राइस गिर गई तो ही वो खरीदेगा अगर बढ़ गई तो वो खरीदेगा नहीं एग्जाम्पल की बात करते हैं बराबर के लिए। से फॉर एग्जाम्पल वी आर एडिक्टेड टू टी नुस्ता चाय मॉर्निंग में आफ्टरनून में चाय चाहिए मतलब चाहिए खास करके मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स दे आर यूज टू ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी एक तो क्या है रिफ्रेशमेंट तो हो ही जाता है प्लस वो गले को भी अच्छा लगता है गर्म गर्म कुछ पीते हैं तो बिकॉज थ्रू आउट द डे वी आर स्क्रीमिंग 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 बराबर कि नहीं बस चिल्लाओ तो अब क्या है एक वो चाय का एडिक्शन बन जाता है बराबर अब तो अगर मान लो कोई स्टाफ आके बोलता है अरे सर चाय है ना दस की अभी बीस हो गई है अभी तू लाना यार फर्क नहीं पड़ता सर बीस की पचास हो गई अबे तू लेके आना पचास की सौ हो गई तू ले आ भाई इट इज एसेंशियल समझे नहीं समझे ऑन अदर एंड चॉकलेट मिल्क शेक सर चॉकलेट मिल्कशेक सौ रुपए का रेंदे यार कौन पिएगा सौ रुपए का चॉकलेट मिल्कशेक समझा नहीं समझा आपको बिकॉज वी आर नॉट दैट एडिक्टेड अपने को नहीं चाहिए बट अगर कोई बोलेगा अरे बीस रुपए में चॉकलेट मिल्क आना भाई दो लेके आ सुन एक काम कर yeah. समझा समझा नहीं सम्झा आपको सो दैट इज इज द डिफरेंस इफ यू आर अभी जैसे आपने देखा होगा और इसका तो एग्जाम्पल आप सबको तो मालूम है जो लोग होते हैं जिनको दवाई लेने का बहुत शौक होता है दे आर एडिक्टेड टू हैव दवाई yeah. दवाई इज है अपन गलत चीजें नहीं बोलेंगे क्लास में दवाई मतलब क्या हाँ, वो वाली दवाई जिससे वो खड़े रह के वो पूरी दीवार हिला सकते हैं <laughs> मतलब बिना हाथ लगाए वो उनको दिखेगा दीवार हिल रही है वैसी वाली दवाई की बात कर रहा हूँ लोगों को वो दवाई बहुत एसेंशियल होती है बहुत से लोगों को दे आर वॉट एडिक्टेड टू इट बराबर बहुत से लोग अपनी जिंदगी धुएं में उड़ाने के लिए एडिक्टेड होते हैं बराबर के नहीं सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट एवरी टाइम वॉट दे डू इज दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ दोज कमोडिटीज दे मेक इट एक्सपेंसिव ट दे वॉन्ट इसकी एज पर लॉ ऑफ डिमांड अगर वो चीजें एक्सपेंसिव कर देंगे तो शायद लोग उसकी डिमांड कम करेंगे बट डिमांड कभी कम नहीं हुई डिमांड कभी कम नहीं हुई फैमिलीज है थिंग्स पैसा जितना भी लगता था वो कहाँ पे जाता था जितना भी अर्न करते थे वो कहाँ, वो दवाई में चला जाता था तो इट वॉज इन इलास्टिक समझा नहीं समझा आपको दैट इज वॉट कंज्यूमर हैबिट्स वी टॉक अबाउट पढ़ लीजिए इजी है खत्म हो गया यस नेक्स्ट टाइड डिमांड टाइड वो टाइड सफेदी वो उसकी उसकी बात नहीं कर रहे टाइड वॉशिंग पाउडर की बात नहीं कर रहे है. ये टाइड मतलब क्या जो गुड्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ समझा नहीं समझा आपको दैट इज टाइड डिमांड अब समझने की कोशिश करना कार एंड वॉट पेट्रोल अगर आपने कार लिया है तो आपको पेट्रोल या डीजल मतलब फ्यूल की बात करें तो वो चाहिए ही चाहिए मेरे पास कार है अच्छा वाह बट वो एक्चुअली क्या है ना वो पेट्रोल महंगा हो गया इसके लिए मैं पेट्रोल नहीं खरीद रहा हूं तो बस मेरे पास कार है फायदा है कुछ नहीं सो so, अगर आपके पास कार है तो कार से जुड़ी हुई कौन सी चीज की डिमांड करनी है आपको फ्यूल की सो so, फिर आप फ्यूल देखो कितना मतलब फ्रॉम Great, फोर्टी रुपीज टू to today इट इज what एट्टी रुपीज दस साल पहले बीस साल पहले उसकी प्राइस क्या थी फोर्टी सिक्सटी रुपीज थी Today इट इज वॉट क्लोज टू एट्टी रुपीज बट स्टिल डू वी डिमांड इट येस वी डिमांड इट समझ नहीं कुछ करो क्यों क्योंकि अपन ने कार लेके रखी है ना ऑन दी अदर एंड मेरे पास पेट्रोल है आ, फिर खुद भाग ले. कुछ फायदा होगा नहीं तो पेट्रोल है तो आपको कार लेनी पड़ेगी बाइक लेनी पड़ेगी समझा नहीं समझा तो जब कोई दो कमोडिटीज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना उनकी डिमांड कैसे होती है रिलेटिवली इलास्टिक समझा नहीं समझा कैसी होगी रिलेटिवली इलास्टिक आया क्या ध्यान में आपको नहीं समझा समझा नहीं समझा बट अगर दो चीजें दो गुड्स अगर जुड़े हुए नहीं चे बराबर के रे तो उसकी डिमांड क्या होगी इट विल बी इलास्टिक कोई संबंधी नहीं ना अब जैसे फोन और सिम कार्ड चाहिए ना सर मेरे पास फ़ोन है बट मैं सिम कार्ड नहीं लूँगा क्योंकि आजकल कॉलिंग बहुत महंगा हो गया है फिर क्या होगा फ़ायदा है क्या फ़ोन का कुछ नहीं ऑन दी अदर एंड सर जियो का सिम कार्ड फ्री में मिल रहा है कॉलिंग वॉलिंग सब फ्री में है सर जियो का सिम कार्ड ले लिया सर बट सर वो एक्चुअली आजकल के फ़ोन नहीं परोड़ते यार बीस हज़ार तीस हज़ार नहीं फ़ोन नहीं लूँगा सर मैं फिर क्या करेगा भाई वो सिम कार्ड का तो सिम कार्ड के लिए फ़ोन लेना ज़रूरी है फ़ोन के लिए सिम कार्ड टाइट डिमांड है ना तो डिमांड कैसी हो गई उसकी इन इलास्टिक एनी डिफिकल्टी पढ़ लीजिए टाइट डिमांड ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट आगे बढ़े सेकेंड लास्ट पॉइंट प्राइस रेंज एक होता है सस्ता फिर होता है रीजनेबल एंड देन होता है एक्सपेंसिव जैसे अपन ने नीड की बात करी थी वो कैसी थी नीड नेसेसिटी कंफर्ट लग्जरी वैसे ही जो प्राइस रेंज है ना वो कैसे होता है सस्ता रीजनेबल एंड वेरी एक्सपेंसिव चीप रीजनेबल एक्सपेंसिव तीन कैटेगरी अगर कोई कमोडिटी चीप है ना बराबर ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ इट इज कमिंग फॉर टू फाइव रूपीज दो पांच रुपए में चीज आ रही है वो और उसकी कीमत हो गई पांच रुपए से दस रुपए फिर भी डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे बोलो करेंगे या नहीं करेंगे अरे बोलते क्यों नहीं करेंगे यस और नो यस सर फर्क नहीं पड़ता ना वैसे भी वो सस्ता है दो पांच रुपए की चीज है दस रुपए हो गई बारह रुपए हो गई दे दिया यार बिग डील यस और नो यस ऑन अदर एंड मान लो आप ये फोन खरीदने जा रहे हो बाजार में आपने ऑलरेडी इसकी प्राइस लगा रखी थी दिमाग में थी ये साठ हजार रुपए का मिलेगा अब ये आपको मिल रहा है कितने में अब साठ हजार रुपए आप देने के लिए तैयार थे इसको प्राइस हो गई भाई सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज माई गॉट टू थाउजेंड रुपीज से प्राइस बढ़ गई हाउ मच टू थाउजेंड रुपीज विल यू मेक द परचेस और यू वॉन्ट मेक द परचेस दिमाग लगाना साठ रुपए की साठ हजार रुपए की चीज आप ऑलरेडी खरीदने जा रहे हो पता चलता है यार वो जीएसटी लगने के वजह से दो हजार रुपये महंगे हो गए अब वो फ़ोन खरीदोगे या नहीं खरीदोगे नहीं कर देगा, नहीं कर देगा। नहीं। सोच समझ के जवाब देना बच्चों यू आर ऑलरेडी रेडी टू पे सिक्सटी थाउजेंड रुपीज फिर अपन क्या बोलते हैं अरे दो हजार में आप क्या फर्क पड़ेगा वैसे भी साठ हजार साठ हजार की चीज तो लेनी थी अब दो हजार रुपये से और क्या फर्क पड़ेगा बताओ बोला बोलो यस और नो यस कार खरीदने जाता है तू सिंपल सी बात है आठ लाख रुपये की कार पसंद कर ली तूने बराबर अब वो बोलता है सर अगर आप इसमें आप कुछ वो एक्स्ट्रा बीस हजार तीस हजार रुपये दे दोगे तो आपको वन ईयर एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगा तो आपकी प्राइस आठ लाख के जगह आठ लाख तीस हजार रुपये होती है नहीं भाई मैं तो नहीं खरीदेगा आठ लाख बोला था आठ लाख तीस हजार हो गए भाई चीटिंग है खरीदोगे नहीं खरीदोगे खरीदेंगे डजेंट मैटर दैट लेकिन क्योंकि वो आठ लाख के सामने वो तीस हजार रुपए एचल कि अब इतना देर है अब इतने से समय क्या फर्क पड़ेगा यार So, जब वो प्राइस रेंज की बात करते हैं ना एक तो वो चीप या एकदम एक्सपेंसिव होता है ना और उसमें अगर प्राइस बढ़ जाती है ना कम ज्यादा हो जाती है ना फिर भी लोग क्या कर लेते हैं वो परचेस कर ही लेते हैं खास करके अभी ये लड़कियां ये फील करना जब आप कोई ज्वेलरी आइटम खरीदने जाते हो कोई आप बैंगल्स या नेकलेस या कुछ ईयर या कुछ कुछ भी एंकलेट्स वगैरह आप खरीदने जाते हो ज्वेलर के पास बराबर अब ऑलरेडी वो मान लो दो तोले की चीज़ ले रहे हो एक तोले की चीज़ ले रहे हो दैट इज पेंडिंग थर्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ दो तोले की चीज़ ले रहे हो सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ आपको सोने का लग गया अब क्या होता है वो मेकिंग चार्जेस वो बोलता है देखो स्टैंडर्ड मेकिंग चार्जेस मान लो हंड्रेड रुपीज़ पर ग्राम वो बोलता है मैडम ये एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है अच्छा मैडम ये टेम्पल डिज़ाइन है अच्छा तो क्या वो बोलता है इसका जो मेकिंग चार्जेस है वन फिफ्टी रुपीज़ पर ग्राम लगेगा ये भी अब ये तो ज़्यादा हो गया बट फिर भी क्या आप परचेस कर लेते हो क्या अरे भैया साठ हज़ार की चीज़ वैसे ही खरीद रहे थे अब उसमें एक्स्ट्रा पचास रुपए देना है पर ग्राम दे ही देंगे ना फिर समझा नहीं समझा प्राइस रेंज बट अब जो बीच में आता है ना जो रीज़नेबल है अब उनमें प्रॉब्लम होती है जैसे आप लोग वॉलेट खरीदने जाते हो बराबर अपन वॉलेट खरीदते कितने का मैक्सिमम 200-300 रुपए का कॉलेज डेज में तो इतने का ही खरीदते थे अभी भी आप कॉलेज में हो ना तो 200-300 रुपए का वॉलेट खरीदते बराबर और अगर आप जाओ वहां पे वो बोल देगा नहीं नहीं दो सौ का नहीं अब वो हो गया तीन सौ रुपए दो सौ में आप हमेशा खरीदते थे अब वो बोलते किता तीन सौ रहते भाई तू क्या सौ रुपये ज्यादा ले रहा है मुझसे अपन नहीं परचेस करते समझे नहीं समझे वी गो टू द अनदर शॉप दूसरा वाला ढाई सौ रुपये में देता हूँ तो शायद अपन वो खरीद भी लेंगे क्यों क्योंकि अपने को दो सौ से थोड़ा प्राइस राइज अपन को चल जाएगा समझा नहीं समझा बोलो यस और नो यस मीडियम टी शर्ट खरीदने जाते हो यूजअली आप कितने में खरीदते हो पांच सौ रुपए में कोई देखता है अरे हजार रुपए का शर्ट है खरीदेंगे क्या yes. बोलो यस और नो नो कोई डेनिम आप ऑलरेडी देख के गए थे कि बाबा ये जीन्स खरीदनी है दो हजार रुपए में जीन्स मिल रही है यू गो नेक्स्ट डे यू सी दैट जीएसटी लगने के वजह से वो मान लो वो जींस हो गई कितनी वो हो गई है ढाई हजार की रिंदे भाई तू ये पहन ले समझा नहीं अपन नहीं खरीदेंगे फिर उसको दैट इज द डिफरेंस जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है ना उनकी जो डिमांड होती है वो कैसी है इन इलास्टिक जो बीच में है वो होती है इलास्टिक पढ़ लीजिए प्राइस रेंज ओ yes, बोलो यस और नो यस अब आता है टाइम पीरियड समझने की कोशिश करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस एग्जाम्पल के साथ जो बुक में दिया है वो द लॉन्गर द टाइम पीरियड वन has, द मोर कंप्लीटली वन कैन एडजस्ट इसका मतलब मालूम है आपको क्या है डर मत बच्चा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा टाइम विल हील एवरीथिंग ऐसा आपने सुना होगा ना डायलॉग बराबर की नहीं वो समय के साथ कुछ ठीक नहीं होता समय के साथ ओनली यू गेट यूज टू इट समझा नहीं समझा लोग बोलते हैं ना अरे थोड़ा समय बीतने दे ठीक हो सब ठीक हो जाएगा वो दुख वो गम तो रहता ही है बट द फैक्ट इज दैट यू गेट यूज टू इट इसके लिए अपने को फिर वो हर्ट नहीं होता ज्यादा ऐसा है वो कोई बात नहीं फिलोसफी नहीं झाड़ेंगे इधर इधर अपन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे जितना ज़्यादा समय आपको मिलेगा उतना ज़्यादा समय आप क्या अच्छे से एडजस्ट हो पाओगे उतना अच्छे से आप एडजस्ट हो पाओगे एक घरगुती होमली बोलायने घरगुती एक्झॅम्पल इट कैन बी सीन इन रिस्पेक्ट टू वॉट मोटेरिंग देखना इन रिस्पॉन्स टू अ हायर पेट्रोल प्राइस वन कैन इन द शॉर्ट रन मेक फ्यूअर ट्रिप्स बाय कार बराबर कहने इन द लॉन्गर रन नॉट ओनली वन कैन मेक फ्यूअर ट्रिप्स बट यू कैन परचेस अ कार विद स्मॉलर इंजिन कैपेसिटी वेन द टाइम कम्स फॉर रिप्लेसिंग वंस डिमांड फॉर पेट्रोल फॉल्स बाय मोर वैन है लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट टू हायर प्राइजेस अब कुछ पल्ले पड़ा आपके बोलो ना नहीं सिंपल है समझने की कोशिश करना एकदम ठंडे दिमाग से आखिरी पॉइंट है इसके लिए इसको एंड में रखा था समझो जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं टाइम पीरियड की बात करें समझने की कोशिश करना पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ जाते हैं सो एनी हाउ एज पर लॉ ऑफ डिमांड अपने को क्या करना है डिमांड कम करनी है डिमांड कम करनी है मतलब क्या पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना है एंड हाउ डू वी डू दैट बाय मेकिंग व्हाट लेस ट्रिप्स सो जब प्राइजेस बढ़ जाती है ना जब सत्तर से पेट्रोल होता है सेवेंटी फाइव से हो जाता है एट्टी सो वॉट डू वी डू अपन अपने फ्रेंड्स के साथ अपन जुगाड़ करते हैं क्या जुगाड़ करते हैं अपन कि भाई एक दिन तू मुझे लेने आ एक दिन मैं तुझे लेने आऊंगा इस तरीके से दोनों की गाड़ी चलेगी तीन तीन दिन मैं अकेला अगर जाता तो मुझे छह दिन पेट्रोल लगता तू जाता अकेला तुझे छह दिन का लगता पेट्रोल भैया महंगा हो चुका है सो लेट्स गो टूगेदर करते हो ना ऐसे यस अब क्या हो गया आपने ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट कर लिया बराबर के नहीं आपके पास है 220 सीसी बाइक 180 सीसी बाइक जिसका एवरेज ऑलरेडी कम है तो यू गाइस डिवाइड द ट्रिप्स तो शॉर्ट रन में आपने डिमांड कम करी बट स्टिल शॉर्ट रन में डिमांड होएगी छोएगी तो इट इज व्हाट रिलेटिवली इन इलास्टिक बराबर के नहीं बट लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा आप क्या करोगे उसको आप लोग एक वन एट्टी की बाइक छोड़ के आप नॉर्मल एक्टिव वाले लोगे जिसका एवरेज सिक्सटी सेवेंटी या बराबर हीरो अंडा स्टाइन ले लोगे लो जो 105 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगा आपको ऐसी बाइक आप प्रेफर करोगे एंड देन व्हाट विल हैपन नॉट ओनली पेट्रोल कंजम्पशन विल गो डाउन बट आल्सो द माइलेज विल आल्सो इंक्रीज तो ऑटोमेटिकली और आपका कंजम्पशन कम हो गया इन लॉन्ग रन इट इज वॉट रिलेटिवली इलास्टिक इन शॉर्ट रन इट इज relatively inelastic समझ में आ टाइम पीरियड जितना ज्यादा समय दोगे अपन उतना अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या कल के कल नई गाड़ी ले सकते हैं क्या बोलो ना आया ना नहीं साहब समझ में आपको ओवर पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए क्या हो गया ना पढ़ के अपना यस yes? आ गया सो so ये अपना क्या हो गया बच्चों अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ईजी है एकदम यस ओके अब लास्ट पॉइंट जो है डिमांड डिस्टिंक्शन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वॉट फेरी ऑफ सप्लाई सप्लाई बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है उसके अंदर सिर्फ उल्टा उल्टा है पहले डिमांड डिस्टिंक्शन करते हैं फिर अपन सप्लाई पढ़ते हैं ठीक है सो डिमांड डिस्टिंक्शन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम अब कौन से कौन से है वो देखिएगा फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स पहले मैं समझाएगा फिर आप लोग को वो पढ़ना होगा प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है कोई गुड्स को और आगे प्रोड्यूस करने के लिए उसे अपन कहते हैं क्या प्रोड्यूसर गुड्स फॉर एग्जाम्पल रबर बराबर के नहीं रबर इज बींग यूज टू प्रिपेयर वॉट द डोर मैट्स ग्रिप्स ऑफ साइकिल और द बाइक बोलो ये सोर नो येस जो बैट की ग्रिप है वो कितनी अलग अलग चीजें अपन रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं so, सो अब वो रबर एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो वो एक्स्ट्रा चीजें क्या कर सके प्रोड्यूस कर सके एक प्रोड्यूसर ने रबर इस्तेमाल किया क्योंकि इस कवर को वो बना सके दिस इज वॉट रबर प्रोड्यूसर ने मोबाइल केस मोबाइल कवर बनाया यूजिंग वॉट दिस रबर So, वो रबर उस प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गया प्रोड्यूसर गुड्स और वो जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए उसको मैंने इस्तेमाल करा ये मेरे लिए क्या हो गया कंज्यूमर गुड्स बिकॉज आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर आई कंज्यूम्ड इट समझ में आने आपको सो so, गुड्स दो तरीके के कौन से कौन से प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स समझ में नहीं आपको बोलो यस और नो इजी एकदम यस पढ़ लीजिए डन तो ये पढ़ने के बाद मुझे आप बताइए क्या प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गुड्स भी बना सकता है क्या बोलो यस और नो मतलब एक प्रोड्यूसर ने और एक प्रोड्यूसर गुड्स बनाया क्या प्रोड्यूसर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बना सकता है सर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गुड्स भी बना सकता है सर कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने एक मशीन बनाई वो मशीन आप इस्तेमाल करते हो कुछ और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सो so, मैंने एक मशीन बनाई वो कौन सी हो गई मेरा प्रोडक्ट कौन सा हो गया प्रोड्यूसर आपने वो मशीन को इस्तेमाल किया तो मशीन भी आपके लिए क्या हो गया प्रोड्यूसर गुड और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया वो क्या हो गया कंज्यूमर गुड्स ईजी है एकदम तो जो रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया मशीन के लिए वो हो गया क्या प्रोड्यूसर गुड मैंने और एक गुड्स बनाया वो आपने इस्तेमाल किया वो भी क्या हो गया प्रोड्यूसर गुड्स ओके ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो चलते ही जाए चलते ही जाए चलते ही जाए चलते ही जाए उसको अपन क्या बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो नहीं चलेंगे। गए फॉर एग्जाम्पल योर फ्रिज योर टीवी योर एसी योर फैन दे आर कॉल्डस वॉट ड्यूरेबल गुड्स ऐसा तो नहीं है ना एक बार फंके की हवा खाली खत्म हो गया फैन बोलो ये और नो एक टीवी पे सीरियल देख लिया टीवी खत्म एक बार पानी ठंडा हो गया फ्रिज खत्म ऐसा है क्या नहीं तो वो गुड्स हम लोग ईयर आफ्टर ईयर पीरियड आफ्टर पीरियड इस्तेमाल करते हैं आप अगर देखोगे ना आपके घर में जो या आपके घर में जो फ्रिज आप देख रहे हो ना शायद वो आपके बचपन से आप लोग वो वही फ्रिज या वही टीवी आप देखते होंगे ये सोर नो या अभी तक नहीं बट मैक्सिमम मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ हैज गॉन इन टू वॉचिंग दैट फ्रिज और वॉचिंग दैट टीवी यस और नो यस सो दैट इज ड्यूरेबल गुड्स ऑन अदर हैंड ऑन अदर हैंड ब्रेड एग्स वेजिटेबल्स इट इज वॉट नॉन ड्यूरेबल एक बार कंज्यूम कर लिया वापस थोड़ी कंज्यूम कर सकते सर कैसे करेंगे सो उसको अपन क्या बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल सो so, देखो गुड्स पहले डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी के अंदर पहले दिमाग में चार्ट बनाना फिर अपन बुक में बनाएंगे गुड्स डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में कौन से कौन से प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कौन से ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल समझ में आया आपको यस yes. आगे डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड मतलब इसके वजह से उसकी डिमांड हुई उसको अपन क्या बोलेंगे डिराइव डिमांड किसी वजह से आई ना इट इज डिराइव बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग सिम कार्ड बिकॉज ऑफ वॉट आई हैव अ फोन अम कंज्यूमिंग पेट्रोल बिकॉज आई हैव अ कार सो द डिमांड फॉर सिम कार्ड द डिमांड फॉर पेट्रोल बिकम्स वॉट डिराइव डिमांड ये है उसके वजह से मैंने वो चीज डिमांड करी समझा नहीं समझा इसको अपन क्या बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट डिमांड भाई पानी पी लिया समझा नहीं समझा इट इज ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट डिमांड बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन वॉट इज हाउ यू सी इट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि वह वो डिराइव्ड है या ऑटोनॉमस है आप क्या बोलोगे सर प्यास लगी इसके लिए पानी पिया तो पानी इज ऑल्सो डिराइव डिमांड अरे हेलो ये सर नो सो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट अपन जब बात करेंगे डिमांड की पानी मैंने किसी प्रोडक्ट के वजह से नहीं लिया अगर मुझे किसी प्रोडक्ट के वजह से लेना पड़ता तो उसको क्या बोलते हैं अपन डिराइव डिमांड समझा नहीं समझा आपको यस yes, पढ़ लीजिए डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट आर्बिट्री का मतलब क्या है वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इट इज जजमेंटल कि इट इज प्योरली जजमेंटल कि यू डिसाइड ओके सो कौन से तीन टाइप के डिमांड्स हो गए अपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल डिराइव्ड एंड ऑटोनोमस अब नेक्स्ट कौन सा है इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड अब ये क्या है इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टील इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री डिमांडिंग स्टील सो जितनी भी पूरी स्टील इंडस्ट्री स्टील का डिमांड कर रही है उस डिमांड को अपन क्या बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड बराबर की नहीं टाटा स्टील बराबर की नहीं उस पूरे इंडस्ट्री में टाटा स्टील ने सिर्फ कितना स्टील को डिमांड किया वो अपन बोलेंगे वो उस कंपनी की डिमांड है और. पढ़ लो कितना फालतू है बोलो यस और नो यस अब शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड शॉर्ट रन मतलब क्या और लॉन्ग रन मतलब क्या समझो ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना शॉर्ट रन इज अ पीरियड और अ टाइम पीरियड रेफरिंग टू या लॉन्ग रन तो समझ जाना कैलेंडर ईयर ठीक है ना कैलेंडर ईयर बट ऐसा देखा जाए शॉर्ट रन डिमांड या लॉन्ग रन डिमांड प्राइस कम हो गई या बढ़ गई इमीडिएटली जो अपन रिएक्शन करते हैं ना उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट रन बट अपन अगर रुकते वेट करते देखेंगे क्या होगा कैसे होगा फिर अपन एडजस्ट करते उसको क्या कहेंगे लॉन्ग रन डिमांड कभी कभी होता है ना एकदम से प्राइस गिर गई तो अपन इमोशनल होकर इंस्टेंट परचेस करते हैं या जो परचेस करने वाले थे प्राइस बढ़ गई इसके लिए परचेस नहीं किया तो उसको क्या बोलेंगे अपन शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन जो क्या है अपन आराम से एडजस्ट करके उसकी डिमांड करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन लॉन्ग रन डिमांड पढ़ लीजिए इसके साथ अपना थ्योरी ऑफ डिमांड भी खत्म हो जाता है पढ़ लीजिए फटाफट यस oh, सो yes. so, बच्चों आपको कुछ भी डिफिकल्टी है क्या थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर नाउ परफेक्ट है इजी एकदम ओके सो विदाउट वेस्टिंग आ टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कौन सा थ्योरी ऑफ सप्लाई अपने पास टाइम बहुत कम है बराबर के नहीं तो अपने को ऐसे नहीं सर आप ये चैप्टर खत्म हो गया आज के दिन जल्दी छोड़ दो ना सर ऐसा ऐसा इमोशनल मत होना ठीक है ना टाइम बहुत कम है अपने पास पढ़ना बहुत ज्यादा है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है अपने को माइक्रोवी है पार्ट टू भी अपने को पढ़ना है वो ठीक है ना ओके सो कंज्यूमर बिहेवियर अपन मंडे को स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है बच्चों सप्लाई सप्लाई का स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग इज वॉट होमवर्क बिकॉज इट विल बी वॉट अ मिरर इमेज टू वॉट डिमांड एकदम ऑपोजिट जैसे लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस उल्टा है सब उल्टा उल्टा डिमांड कफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कफ सप्लाई कफ अपवर्ड स्लोपिंग कफ प्राइस के वजह से अगर सप्लाई बढ़ा तो उसको क्या कहेंगे एक्सपांशन प्राइस के वजह से सप्लाई गिरा तो उसे क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन अदर देन प्राइस के वजह से सप्लाई बढ़ा इंक्रीज अदर देन प्राइस एवरीथिंग रिमेन्स इलास्टिसिटी न्यू डिमांड की जगह माइनस समझा नहीं समझा आपको बस यहां पर आंसर जो कोई प्राइस और सप्लाई के बीच रिश्ता है वो कैसा है पॉजिटिव है कुछ कॉन्सेप्ट है जो सप्लाई में अपने को डिस्कस करने छोटे छोटे वो हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन वी आर डन विद वॉट थ्योरी ऑफ सप्लाई ओके फोकस करना नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई फटाफट अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं मेरी बातों को समझना द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बराबर के नहीं अब व्हाट इज सप्लाई समझने की कोशिश करना एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान देना है समझना है ठीक है फोकस करना व्हाट इज सप्लाई सप्लाई मींस व्हाट फर्स्ट पॉइंट उसमें कहता है दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू एंड एबल टू मतलब पहली पहल तो आपको अगर कोई मार्केट में कमोडिटी सप्लाई करनी है तो पहले आपके पास वो चीज होनी चाहिए यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू प्रोवाइड सर मेरे पास एबिलिटी है दूसरी चीज क्या आपकी इच्छा है क्या उसको देने की समझा नहीं समझा मेरे पास फोन है आई एम एबल टू सप्लाई दिस फोन इन टू द मार्केट आई हैव दैट एबिलिटी बट क्या आपको वो मार्केट में देने की इच्छा है क्या अगर नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे अगर आपकी इच्छा है तो उसको क्या बोलेंगे सप्लाई है so, दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक क्या एबिलिटी एंड विलिंगनेस नाउ टू वॉट इंपॉर्टेंट इज वॉट ओवर यर इट टॉक्स अबाउट वॉट ऑफर किसकी बात करता है ये ऑफर की सर मतलब क्या ऑफर करना है यहां पे। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि एक बार जो मार्केट में आपने अवेलेबल करा दिया ना उसको अपन क्या बोलेंगे सप्लाई समझने की कोशिश करना सेल होना दैट इज टू से उस कमोडिटी का बाजार में बिकना एसेंशियल नहीं है वो बिके या ना बिके इज अ लेटर स्टोरी बट आपने उसको मार्केट में अवेलेबल किया उसका मतलब क्या हो गया सप्लाई किया जैसे बहुत सी बार लोग बोलते हैं ना अरे यार मार्केट में मैंगो का सप्लाई बहुत कम है समझा नहीं समझा सप्लाई मतलब क्या वो अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में फॉर सेल एक्चुअल सेल होना इज नॉट नेसेसरी फॉर सप्लाई बट इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इज सप्लाई समझा नहीं समझा आपको बोलो यस और टेल मी गाइस इज सेल एन एसेंशियल कंडीशन फॉर सप्लाई Come on everybody, yes or no? no? Is sale an essential condition for supply? No, samjha nahi samjha But should it be made available for sale? Yes, yes. correct hai na Yes. so tell me, agar koi goods मेरे पास मेरे go down में रखे हुए हैं, will they be a part of supply? मेरे पास कोई goods go down में रखे हुए मेरे, क्या उसे हमलोग supply का दर्जा देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे क्योंकि सर वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं कराएगा जैसे ही वो गोडाउन से निकाल के मार्केट में अवेलेबल कराए जाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे सप्लाई सो so, इसी के इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसी को मद्देनजर रखते हुए अपन एक चीज को कंक्लूड करते हैं कि जो गुड्स अपन ने गोडाउन में रखे उसको अपन क्या बोलते हैं स्टॉक बराबर के नहीं और जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल कराए हैं उसे कहेंगे अपन फ्लो सो दैट इज टू से सप्लाई इज नॉट दी स्टॉक कॉन्सेप्ट बट इट इज दी फ्लो कॉन्सेप्ट समझा नहीं समझा आपको यस yes. दूसरी चीज मुझे बताओ सप्लाई इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टॉक और स्टॉक इज क्रिएटेड आउट ऑफ सप्लाई वापस ध्यान सुनना सप्लाई इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टॉक और स्टॉक इज क्रिएटेड आउट ऑफ सप्लाई सप्लाई इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टॉक समझा नहीं समझा स्टॉक में से अपन प्रोडक्ट को क्या करेंगे अवेलेबल करेंगे बराबर के नहीं तो सप्लाई इज क्रिएटेड आउट ऑफ वॉट स्टॉक कोई दिक्कत नहीं ओके टू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अप्लाई टू सप्लाई क्या है ये देखिएगा सप्लाई रेफर्स टू वॉट फर्म्स ऑफर फॉर सेल बराबर नॉट ने टू वॉट डे सक्सीड इन सेलिंग उसका एक्चुअल बिकना एसेंशियल नहीं है उसका अवेलेबल करना वो एसेंशियल है क्लियर है क्लियर है सप्लाई इज वॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम पर डे पर वीक और पर ईयर ऑब्वियसली फॉर अ प्राइस

As the price of the goods rises, the supply rises, they say. And as the price of the goods fall, the supply also fall, they say. Remember, what is written here? Starting, they say, setris, paribus, that means what? Other things being constant. Other things being constant, we are focusing mainly upon what? The cost of that product. Try to understand. This bottle, this is the product I have. ये प्रोडक्ट बना मान लो मेरे पास बना ये पांच रुपए में प्रोडक्ट बना बराबर अब इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मित्रों इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी कांस्टेंट बिकॉज वी हैव हैज्यूम्ड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट सेट्रिस पेरिबस नाउ यू ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन अब इसकी प्राइस जो मार्केट में ये बिकता था पहले पंद्रह रुपए में अब उसकी कीमत हो गई है बीस रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ गई इसकी कॉस्ट प्राइस अभी भी उतनी ही है पांच रुपये आप बताइए यू एज अ सप्लायर देखो डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव पढ़ रहे थे ट्यून चेंज आप अपन बात करेंगे एक बिजनेसमैन के नजरिए से एक ऑन्ट्रप्रनर के नजरिए से और दोस्तों बताइए अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं अगर मैं एक सप्लायर हूं मुझे दिखता है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पांच रुपए अभी भी उतना ही है अब उसकी पंद्रह रुपए से बीस रुपए हो गई है मैंने क्या करना चाहिए इसको ज्यादा अवेलेबल करना चाहिए या कम से कम अवेलेबल करना चाहिए सर ज्यादा अवेलेबल पूछता हूं क्यों क्योंकि सर कॉस्ट उतना ही है कीमत बाजार में उसकी बिकने की जो कीमत है सर वो बढ़ गई है उसके वजह से मुझे जो मुनाफा होने वाला है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि मैं मार्केट में इसको और अवेलेबल कराऊं ताकि ये और बिके तो मुझे और प्रॉफिट हो जाए ऑन दी अदर हैंड इसकी अगर प्राइस गिरती है मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है कॉस्ट तो उतना ही है बोलो यस और नो यस तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा क्या इसको ज्यादा सप्लाई करने का आंसर इज नो समझा नहीं समझा सो विद दैट लॉजिक वी से द प्राइज राइज राइजेस एंड एज द प्राइज फॉल्स द सप्लाई ऑल्सो फॉल्स गया दिमाग के अंदर फर्स्ट पॉइंट ओवर प्राइज ऑफ द गुड्स इजी है नंबर टू प्राइज ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज आ क्या बोला है अरे भाई इससे जुड़ी हुई कमोडिटीज मतलब ये कौन सी बात करेंगे इसके सब्सिट्यूट की बराबर के नहीं यहां कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की फर्क नहीं पड़ता आप सोचिए ना अगर इससे कोई जुड़ी हुई चीज अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो भैया अपन इसको क्यों प्रोड्यूस करें वो क्यों ना प्रोड्यूस कर ले एग्जाम्पल टी एंड कॉफी अरे बच्चों थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू नाउ नॉट द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अब मैं चाय बेचता हूं और मुझे क्या दिखता है ओ माय गॉड कॉफी की कीमत बढ़ते जा रही है सर क्या करना चाहिए अरे काहे चाय बनाते बैठे हो बराबर जो उसका दूसरा प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ते जा रही है तो अपन ने क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कॉफी प्रोड्यूस करना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी टी का सप्लाई कम हो जाएगा सिंपल सी बात है यार अपन देखो बिजनेसमैन है भैया सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो बिजनेसमैन के नजरिए से सोचेंगे डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे तब कंज्यूमर के नजरिए से पढ़ेंगे अब बिजनेसमैन के शूज में आ गए अपन बोलेंगे भैया अगर चाय बेचने से कम मुनाफा हो रहा है तो चलो ना यार कॉफी बना देते हैं कॉफी की कीमत कम होती है चाय की कीमत बढ़ जाती है तो भैया चलो ना अभी अपन चाय बनाते हैं तो अपन शिफ्ट करेंगे समझा नहीं समझा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज नंबर थ्री अच्छा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों अगेन अदर थिंग्स बी कांस्टेंट अब अपन किसकी बात कर रहे फर्स्ट पॉइंट में अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखा था और सेलिंग प्राइस को बढ़ाते गए थे या कम करते गए थे अकॉर्डिंगली अपना सप्लाई कम या ज्यादा हो रहा था बराबर के नहीं यस और नो। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने पढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पांच रुपया है पंद्रह रुपए से बीस रुपए हो गई प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ गया सप्लाई ज्यादा करेंगे पंद्रह रुपए से दस रुपए आ गया प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन कम हो गया सप्लाई कम करेंगे कॉस्ट प्राइस पांच रुपए की पांच रुपए ही रखी थी डू यू अग्री यस नाउ सेलिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज इमेजिन मार्केट में ये बॉटल सिर्फ बिकती है पंद्रह रुपए को ही ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था पांच रुपए आप सोचिए इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट अपने लिए हो गया कम और वो हो गई कितनी ओनली टू रुपीज बोलो कम सप्लाई करेंगे ज्यादा सप्लाई करेंगे ज्यादा सप्लाई करेंगे बट आप सोचिए अगर इसकी कीमत पांच रुपए से आठ रुपए होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट बेच रहे अभी भी पंद्रह रुपए पे सप्लाई कम होगा या ज्यादा होगा ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर यू किड्स समझ में आया नहीं आपको ये वेरी गुड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अरे क्या बोला है अरे बच्चो अगर हम लोग अत्याधुनिक तकनीकें इस्तेमाल करेंगे लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजी अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और अगर हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम होगा दोस्तों हैंडलूम पावरलूम बचपन से पढ़ते आ रहे हैंडलूम हाथ से कुछ टेक्सटाइल वीविंग वगैरह करना पावरलूम मशीन की सहायता से आप बोलिए हाथ से कोई चीज बनाऊंगा तो जल्दी बनेगी या लेड बनेगी yes. लेड बनेगी बट अगर मशीन से बनाऊंगा yes. जल्दी बनेगी तो बच्चों सप्लाई किस में ज्यादा होगा मशीन से बराबर के नहीं और अगर हाथ से बनेंगे तो सप्लाई कम होगा यही तो बात कर रहे हैं ना बच्चों यहां समझ में आया नहीं आया आपको आगे गवर्नमेंट पॉलिसी आप सोचिए गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गवर्नमेंट ने जैसे आपको बीच में न्यूज आई थी कि जो हाईवे पे जो ठेके है वो ठेकों पे बैन लगा दिया गया था तो क्या हो गया गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया तो उनका सप्लाई कम हो गया बराबर की नहीं बट ऑन दी अदर एंड अगर गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि चलो ये बिजनेस करो ये बिजनेस करो हम आपको टैक्स से छुटकारा देंगे हम आपको इंसेंटिव देंगे बोलिए बच्चों उसका सप्लाई क्या होगा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवरेबल सप्लाई ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल सप्लाई कम इसलिए तो बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी डिसाइड करता है कैसे डिसाइड करता है वो इंपॉर्टेंट होता है सो यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बराबर के नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता उसके हिसाब से अपने बिजनेस पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा क्लाइंट बराबर कैसे वो जैसे आप पढ़ते हो ना गोइंग कंसर्न बराबर अगर जैसे वो ठेके बंद कर दिए तो उसका गोइंग कंसर्न अजम ही बंद हो गया ना बिजनेस ही ठप हो गया अब रिसेंट डेवलपमेंट प्लास्टिक हैज इन महाराष्ट्र बराबर आप सोचिए जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते होंगे उनके बिजनेस का क्या लग गए ना वहां बंद ही हो गया ना बिजनेस समझ रहे नहीं समझ रहे आप गवर्नमेंट पॉलिसी अदर फैक्टर्स दैट इज वॉट क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड फॉरन पॉलिसीज गोल्स ऑफ द फर्म बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर अच्छे रास्ते हो तो सप्लाई बढ़ेगा अगर वह यात रास्ते हो तो वो लेट पहुंचेगा प्रोडक्ट ऐसी कुछ चीजें हैं समझ में आया नहीं आपको सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दफेक्ट सप्लाई एंड लास्ट लॉ ऑफ सप्लाई ये तो आपको मालूम है लॉ ऑफ सप्लाई क्या है उसका लॉजिक भी मालूम है प्राइस बढ़ती है तो क्या हो जाता है प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है उसके वजह से अपना सप्लाई बढ़ता है इसमें आजमशंस क्या क्या है नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज बोलो यस और नो यस नो चेंज इन वेदर कंडीशन बोलो यस और नो क्योंकि अगर सोचिए ना अगर कोई मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब मान लो मैंगो की बात कर रहे हैं समझने की कोशिश करना मैंगो की अगर अपन बात कर रहे दोस्तों और अगर अनसीजनल रेनफॉल हो गया बोलो क्या हो जाएगा ऑल आर दैंगो सप्लाई कम हो गया मतलब प्राइस बदली नहीं फिर भी सप्लाई कम हो गया क्यों वेदर कंडीशन पर बैड समझे नहीं समझे आपको कहीं एक जगह से कुछ दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने थे शिप करने थे ताकि हम लोग सप्लाई कर सके वहां पे बट क्या हो गया वेदर वाज बैड इसके वजह से वो गुड्स वहां पे अवेलेबल नहीं कर पाए सप्लाई नहीं हो पाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स आ हा हा अगर आपको कोई चीज को प्रोड्यूस करना है तो ही आप सप्लाई करोगे अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए तो सप्लाई कर पाओगे क्या नहीं तो बच्चों समझने की कोशिश करिएगा यार सिंपल सी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स अगर वो इनपुट प्रोडक्शन करने के लिए अवेलेबल होंगे तो ही सप्लाई कर पाएंगे और अगर इनपुट अवेलेबल नहीं होंगे तो सप्लाई कर पाएंगे क्या नहीं तो प्राइस ऑफ गुड्स अलग इनपुट्स का पहले चर्चा करो तो अपन क्या बोलेंगे इनपुट्स का जो अवेलेबिलिटी है इट विल बी नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट नो चेंज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर क्यों समझने की कोशिश करो यार नो चेंज इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स मतलब अगर इम्पोर्ट ज्यादा हो गए तो इंडिया में उसका सप्लाई ज्यादा होएगा ना क्योंकि बाहर के लोग यहां आके अवेलेबल करा रहे हैं ना तो इंडिया में उस प्रोडक्ट को अवेलेबल ज्यादा हो जाएगा सप्लाई ज्यादा हो जाएगा बट अगर सोचिए अपन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे तो इंडियन मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगा तो वापस से अपन क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉलिसीज में भी कोई चेंजेस नहीं नेक्स्ट नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ये तो मालूम है नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स ऑब्वियसली जैसे अपन ने पढ़ा था न्यू कंज्यूमर्स मतलब मोर डिमांड आप सोचिए मोर सेलर्स मतलब मोर सप्लाई अरे अगर ज्यादा बेचने वाले लोग आ जाएंगे मार्केट में तो सप्लाई बढ़ जाएगा समझा नहीं समझा यस वेरी गुड ये हो गया अपने क्या अजम्पन लास्ट एक्सेप्शन ओवर उसके बाद छोड़ रहा हूं ठीक है ना फिर अपना सप्लाय चैप्टर खत्म अपन डायरेक्टली टूमोर वेन विल मीट वी विल स्टार्ट विथ वॉट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ठीक है सो ध्यान से सुनिएगा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई ऑफ लेबर एक्सेप्शन है एकदम ठंडे दिमाग से समझना अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों मैं आपको एक हजार रुपए घंटा पे करूंगा आप मेरे लिए काम करो आप करेंगे हाँ कितने घंटे करेंगे सिक्स आवर्स सर उसके बाद थक गए उसके बाद बोलता हूं फॉर द सेवेंथ आर आई पे यू टू थाउजेंड रुपीज पर आवर विल वर्क यस वन आर टू आर यूल वर्क दो घंटे काम करना आठ घंटे काम कर ले उसके बाद बोलते सर थक गए नहीं 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 थ्री पर आवर जैसे जैसे करके और एक घंटा जोड़ लिया उसके बाद नहीं सर अब बोलते पांच हजार रुपए फिर बोलेंगे सर रहने दो माफ करो हमको फिर बोलते चौबीस घंटे काम करो थ्री सिक्सटी फाइव डेजर आई पे यू करोड़ रुपीज पर डे एक भी अगर बार आपकी आंखी झपकी ना याद रखना फिर पैसा एक भी नहीं मिलेगा काम करेंगे क्या आप नहीं देखो बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वॉट सब्जेक्ट टू वॉट सम लेजर एज वेल वी हैव टू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर इनिशियली एज एंड वेन ट्राई टू अंडरस्टैंड एज एंड वेन द प्राइज गो अप द सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो इंक्रीजेस बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वॉट हैपन्स इंसान क्या बोलता है बहुत कमा लिया यार अब और मेहनत नहीं करना भले और पैसा मिले इससे बराबर के नहीं और मेहनत नहीं करना क्योंकि जो ऑलरेडी कमा के रखा है उसका फायदा कब उठाएंगे अपन बराबर के नहीं जैसे अगर मैं पहले आई यूज टू टीच फ्रॉम मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक टू नाइट नाइन ओ क्लॉक बराबर की नहीं क्योंकि दैट वॉज माई स्ट्रगलिंग फेज आई हैड टू क्रिएट माई नेम एंड नाउ टूडे आई एम नोन ऑल ओवर इंडिया बराबर के नहीं सब जगह अपनी क्लासेस चलती एंड नॉट सिर्फ चलती नहीं पीपल अप्रिशिएट कि अरे सर क्या अच्छे से पढ़ा रहे हो फिर अब क्या हो गया कि आई हैव लाइक ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कमा के बैठ गए बट अभी जितना भी है तो आई डोंट नीड टू टेक लाइक सिक्स टू नाइन क्लासेस अपन थोड़ा ब्रेक लेके एंजॉय लग्जरी लाइफ जी सकते हैं अपन थोड़ा अपने so, आप को पॉज लेके सो अब क्या हो गया स्टार्टिंग में पैसे मिलते थे इसके लिए अपन ज्यादा काम करते थे बट एक टाइम के बाद क्या हो गया अब शायद कितना भी पैसा मिलो अब क्यों मेहनत करना है यार जो कमा लिया उसके अपन बेनिफिट क्यों ना ले सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स वॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस भले ही ज्यादा दोगे फिर भी क्या होगा आफ्टर अ पॉइंट सप्लाई उसका कम हो जाएगा पेरिशेबल गुड्स जो अपन अपने ग्रोसरीज की बात करें एग्स की बात करें ब्रेड की बात करें एक सप्लायर यह के नहीं बेच सकता ये रुक नहीं सकता कि नहीं 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 मैं इतने में बेचूंगा लेना है तो लो He cannot expect ही कैनॉट एक्सपेक्ट कि प्राइस राइज होगी तभी बेचूंगा अरे भाई तू रुके रहेगा ना तब तक वो खराब हो जाएगा तेरे को बेचना ही पड़ेगा तो इसलिए वो बेच भी देता है कम दाम में आगे हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हाथ से बनाई हुई चीज है दिवाली में वी यूज लैंटर्नस यस और नो बोलो हाँ या ना हाँ गणेशोत्सव में भी आ, ब्रिंग होम दी गणेश आइडल्स दो आर हैंडमेड बराबर कि नहीं इमेजिन सिचुएशन आपने कुछ लैंटर्न बनाए आपने खुद के हाथों से बराबर एंड अचानक दिवाली के दिन आपको ऑर्डर आती है कि हमें एक लाख लैंटर्न चाहिए जो मुंह मांगी कीमत देंगे आपको बोलेंगे भैया कहाँ से ला देंगे रातों रात थोड़ी बना सकते हैं उसको बना सकते हैं क्या नहीं तो आप भले कितना भी पैसा दो सप्लाई उसका नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इट्स अ व्हाट हैंडीक्राफ्ट गुड्स समझा नहीं समझा पॉट्स रातों रात आपको अगर बोलूंगा दस लाख पॉट्स दो और कहां से बनेंगे दस लाख पॉट्स इट्स अ हैंडीक्राफ्ट बराबर के नहीं तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई नीड फॉर कैश पैसे की जरूरत यदि आज अगर मुझे पैसे की जरूरत है बच्चों तो अगर मैं मार्केट में मेरा फोन बेचने जाऊं बराबर आई नो इसका नॉर्मली मुझे कितना मिलेगा आई से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो मिल ही जाएगा मार्केट में आज बेचूंगा तो बट अगर मुझे अभी पैसे की जरूरत है तो क्या कर दूंगा मैं ए भाई चालीस हजार में दे दे यार बट दे दे मुझे पैसे में आई नीड वॉट मनी इंसान को जब पैसे की जरूरत होती है ना बराबर की नहीं तो जो भी है वो चाहे जितने पैसे मिल रहे हैं उसके ही इज रेडी इन दैट समझा नहीं समझा वो कम दाम में भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है दैट इज नीड फॉर कैश कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग आपने पढ़ा होगा वेन वी टॉक अबाउट राइस और वेन वी टॉक अबाउट वाइन जितना वो पुराना बराबर उतना उसकी टेस्ट एनहांस होती है पुराना राइस पुरानी वाइन बराबर के लिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड उसको स्टोरेज करने के लिए कॉस्ट तो बढ़ेगी ना और समझने की कोशिश करो जितना तेजी से उसकी प्राइस बढ़ेगी उससे कहीं तेजी से कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग नहीं बढ़ेगा तो फिर अपन क्यों जबरदस्ती उसको स्टोर करें सेल इट ऑफ बराबर नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सिमिलर टू वॉट पेरिशेबल प्रोडक्ट्स एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन आने वाले समय में अपने को लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी तो अभी बढ़ रही है फिर भी अपन क्या सप्लाई करेंगे क्या नहीं आने वाले समय में इसकी प्राइस गिर रही है तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गिरेगी तो इसके लिए अपन बेच देते हैं समझ में आया आपको यस yes. तो so, इसी के साथ अपना खत्म हो जाता है थ्योरी ऑफ सप्लाई इफ यू लुक केयरफुली ये सप्लाई कर्व शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इंक्रीज डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टाइप्स ऑफ सप्लाई डायग्राम्स वगैरह वो देख लेना स्टीपर फ्लैटर सेम है एंड दिस इज वॉट वी कंक्लूड विथ वॉट थ्योरी ऑफ सप्लाई समझ में आया आपको यस थैंक यू वेरी मच सी यू गाइस टूमोरो वॉट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बाय बाय